पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ईवीएम से चुनाव ना हो इसकी भी मांग उठाई है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि जब मोबाइल हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। उन्होंने निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईवीएम जिन देशों ने इस्तेमाल करी थी उन्होंने बंद कर दिया। लोगों के आंदोलन हुए, जर्मनी में एक आंदोलन हुआ ईवीएम को हटाने के लिए, वो लोग सड़कों पे आए तो ईवीएम बंद हो गई। डेवलप कंट्रीज में किसी एक में बता दे मुझे कोई कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है तो ईवीएम में क्या परेशानी है कोने में? आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम से क्यों जिद है ईवीएम से कराया जाए? हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम से ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो, या फिर उसकी दूसरी तरीका ये होता है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सारी पर्चियां भी हर वीवीपैट की निकाल के गिनी जाए। अब वो पर्ची पहले वोटर के हाथ में आए, वो देख ले उसका निशान, उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल दे उसे। तो भाजपा हमें यकीनी तौर पे हमें भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। बाकी देशों ने क्यों बैन कर दिया ईवीएम को, इसको लेकर मैं तो ये मांग पार्लियामेंट में भी उठा चुका हूँ और मुसलसल उठाएंगे, और अपोजिशन के लोग भी ज्यादातर इस मांग को उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव का समय बहुत कम बचा। देखिए हमारी पूरी पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ साथ जनता की भी पूरी तैयारी है, तो चुनाव तो होना है, होना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। देखिए हमारा कमेटी बैठेगी और सारे पार्षदों को जो आवेदन है उस पर डिस्कस करेगी। पार्षदों को भी एक दिन में तय कर लिया जाएगा कि भाई हाँ इस वार्ड से ये पार्षद लड़ेंगे। और जहाँ तक मेयर का सवाल है, वो मैंने खास तौर से अखिलेश जी के ऊपर अपने हाई कमांड के ऊपर छोड़ दिया है कि जिसको वो टिकट दे दें हम उसका चुनाव लड़ाएंगे। मुकाबला तो सीधा बीजेपी से है हमारा। अब चुनाव गठबंधन से लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा ये हमारे बड़े नेता ही इसको बता सकते।